कि क्या संत महात्मा घर छोड़ देते हैं तो ये धोखा है कि नहीं है? अच्छा, जितनी लड़कियां शादी करती हैं घर छोड़ देती हैं तो क्या ये धोखा होता है? नहीं नहीं, धोखा नहीं है जी, ये तो जगत की रीत है। लड़की तो पराया धन होती है जी, उसको तो पराए घर जाना ही है ना जी। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। अच्छा, वो धोखा है? नहीं चाहे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, बेटे की जी आपकी नौकरी लग गई, आप कहाँ रहते हैं? जी हाँ, कहते हैं हम तो जी बनारस में रहते हैं। अच्छा, बेटे की नौकरी कहाँ लगी? कहते हैं बैंगलोर में लगी है, अब बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में उसने, अब उसका आईटी इंडस्ट्री में हो गया है ना, अब वहीं रहता है, अब उसकी पोस्टिंग हो रही है, उसको आयरलैंड भेज रहे हैं अब। हाँ, यूरोप में जाएगा वो। हाँ अच्छा, आयरलैंड पहुँची? हाँ जी, अब दीपावली और होली में हैप्पी दिवाली हैप्पी होली कहता है, माँ चरण स्पर्श हैप्पी होली हैप्पी दिवाली। अच्छा, क्या ये धोखा है? नहीं जी नहीं, करियर में आगे बढ़ाया लड़का, अब तो क्या हुआ, माता पिता से दूर है, करियर तो बन गया उसका, तो क्या ये धोखा है? नहीं, बिल्कुल धोखा नहीं है। अच्छा, जितने भी ये बीएसएफ के नौजवान हैं जो कि बॉर्डर पे कर रहे हैं, माता पिता से दूर है, माता पिता गाँव में हैं इनके, तो क्या ये धोखा है? नहीं, बिल्कुल धोखा नहीं है, देश की सेवा कर रहे हैं जी, बीएसएफ के नौजवान हैं, इससे ये धोखा काउंट नहीं होगा। कहते अच्छा जी, ओके ठीक है ठीक है, नौकरी करने वाले माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, माता पिता को छोड़ रहे हैं, धोखा नहीं है। लड़कियां शादी करके माता पिता को छोड़ रही हैं, धोखा नहीं है। बच्चे पढ़ाइयां करके दूर दूर रह रहे हैं, वो धोखा नहीं है। बीएसएफ के नौजवान देश की सेवा करें, माता पिता से दूर है, धोखा नहीं है। लेकिन भक्त ने अगर समाज के भला करने के लिए अगर घर से दूर हो गए, ये तो धोखा है, ये तो धोखा है। अच्छा, बाकी सबका धोखा काउंट नहीं होगा, लेकिन जो संत महात्मा जी अगर समाज की भलाई के लिए अगर वो घर छोड़ते हैं तो धोखा, कैसे धोखा हो गया जी? ये तो हमारी बड़ी पार्शलिटी है साधु संतों के साथ, ये बाकी हम धोखा काउंट नहीं करेंगे, आप हम धोखा काउंट करेंगे जी। नहीं, ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं कि साधु संत जो है माता पिता के प्रति कृतज्ञ होते हैं, दे आर थैंकलेस टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मंदिर में कहीं ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो कि अपने माता पिता की सेवा करने के लिए कभी घर भी जाते हैं, जैसे पिताजी बहुत बीमार पड़े, चिकनगुनिया हुआ था, हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी के पेरेंट्स को, फादर को घर गया, माता पिता की 2 महीने सेवा करके आया, वो जब ठीक हो गए तो फिर से आश्रम में वापस आ गया। ऐसे एक और हमारे यहाँ ब्रह्मचारी हैं, उसके पिताजी को घर में और कोई है नहीं, इकलौता बेटा है, वो घर पे लिंटर डलवाना है, अब लिंटर डलवाने के लिए पिताजी का बेटा, मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ तो आ जाए घर कराने के लिए, आ गया घर में लिंटर डलवाया फिर वापस आ गया वो। और माता पिता भी आते रहते हैं, बच्चों से मिलते रहते हैं, बच्चे भी जाके माता पिता से मिलाते हैं, या फुल टाइम भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। सो दैट वे ज़्यादा सोचना कि ये तो माता पिता से की सेवा नहीं करते, वेल जब ज़रूरत पड़ती है बिल्कुल जाते हैं, और बल्कि हमने माता पिताओं को बल्कि रिक्वेस्ट किया हुआ है कि अब आपका बच्चा, क्योंकि जैसे आप, जैसे हमारा मंदिर इस्कॉन द्वारका है, आप आसपास घर ले लें, घर लेकर के यहाँ रहें, भक्ति भजन करें, हमारे साथ प्रसाद पाएं, फ्री का प्रसाद देंगे हम आपको, और आपने बेटा एक दिया है, यहाँ हमारे यहाँ 25 ब्रह्मचारी रहते हैं, हम सब 25 बेटे मिलकर के आपकी सेवा करेंगे जी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मान लो आपका बेटा है वो कहीं बिजी है सेवा में, मैं आ जाऊँगा पाँव दबाने के लिए, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए माता पिता चाहें तो अब अपने जो लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ है वहाँ आएँ, भगवान के मंदिर के नज़दीक रहें, भक्ति करें, और बच्चे का संग भी करें, बच्चा मंदिर में रहता है, हाँ बच्चा इनसे मिले, ये माता पिता बच्चे से मिले, तो दैट वेज राजी खुशी दोनों, तो स्पिरिचुअलिटी भी आगे बढ़ेगी, बच्चे इसकी बच्चे की सेवा भी हो जाएगी माता पिता के प्रति, वाई नॉट। और ऐसा हो भी रहा है हमारे यहाँ पर, मेरे माता पिता अभी शिफ्ट हो गए इस्कॉन द्वारका, अभी यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, आते मंदिर आते हैं, रोज़ मिलते हैं मेरे से, सुख दुख में जो कभी कॉल कर लेते हैं, कभी प्रसाद बनाती मेरी माँ, जैसे मुझे गोभी के पराठे बहुत पसंद है, तो कहती बेटा आज मैंने गोभी के पराठे बनाए, आजा मैं लंच पे जाऊँगा, और माँ के हाथ के प्रसाद पाकर के फिर वापस मंदिर में सेवा में लग जाऊँगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है जी। तो कोई बोले माता पिता को धोखा दे दिया, काय का धोखा भाई, माता पिता खुश है, बल्कि मेरी माँ ने अभी सेवा ली हुई है कि अगर कोई भक्त अपना संत बनता है, उसके माता पिता को थोड़ा सा है कि भाई हमारा बच्चा तो संत हो गया, काश वो भी संसार में काम करता रहता, उनको दुख है, तो मेरी माँ काउंसलिंग करती है उन माँ के जाकर के, कहते हैं कोई नहीं जी, उसने कोई उग्रवादी संगठन ज्वाइन नहीं किया, हरे कृष्ण ज्वाइन किया है, लोगों को गीता पढ़ा रहा है, लोगों को हरे कृष्ण करा रहा है, लोगों की ज़िंदगी अच्छी कर रहा है, हमें भी तो चाहिए पढ़े लिखे समझदार संत, हम क्यों चाहते हैं ये देहाती गंवार लोग संत बन करके लोगों को धोखा देते रहे और उनकी मीडिया पर इनकी कवरेज आती रहे, आइए मिला एक और बागड़ बिल्ले से, क्यों चाहते हैं बार बार ये होता रहे, समझदार पढ़े लिखे लोग साधु संत बने। तो दैट इज़ मेरी माँ जाके काउंसलिंग करती है उनकी। सो इसीलिए बिल्कुल भी धोखा नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, ये एक लापरवाही का जीवन नहीं है, ये सेवा का जीवन है, सेवा समाज की। जिस तरह से बीएसएफ के नौजवान हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री की रक्षा करते हैं, उस तरह से लोगों की नैतिकता की बाउंड्री की रक्षा करने के लिए बीएसएफ के नौजवान चाहिए, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले हम लोग भी, लेकिन हम जो मॉरेलिटी की बाउंड्री है उसकी रक्षा करते हैं। तो दैट मीन्स यू नीड सो मेनी सोल्जर्स, तो इनके जिनके घर में दो दो बेटे हैं उनको एक बेटा अपने पास रखें एज अ बुढ़ापे की लाठी, और एक बेटा जो है सेवा में देखिए बेटा तू संत बन और भगवदगीता का भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कर। हम सब का ये जिम्मेदारी है, जिनके पास एक से ज़्यादा बेटे हैं एक बेटा अपने पास रखें और एक बेटा भगवान को दें, 3 बेटे हैं तो एक बेटा अपने पास रखें, 2 बेटे भगवान को दें।